ट्रेडिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, सभी चीज़ों पे डॉक्टर साहब ने कुछ छोड़ा नहीं है कि पशुपालन में ऐसी कोई चीज़ बची होगी। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र में सभी चीज़ों का साइंटिस्ट रहते हैं और ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी चीज़ों का रहता है। और बेसिकली मैं एग्रीकल्चर से बी एस सी हूँ और एम एस सी पी एच डी एनिमल साइंस से हूँ, तो दोनों का मिक्सअप भी देखने को मिल सकता है। देखिए आहार प्रबंधन की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों के सब्जेक्ट को काफ़ी बता दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आहार पे अगर हम देखते हैं तो पशुपालन में 70 से 80% जो खर्चा है वो आहार पे ही होता है। अगर हमारे पास पशु है, उन फसल के पशु रख रहे हैं, तो खर्चा कहाँ होता है, क्या लाते हैं बाजार से? मतलब दाना लाते हैं। कह सकते हैं कि जो आहार है उसी पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, उसके बाद में लेबर का है, दूसरा बीमारियों का है, उस पे होता है। लेकिन हम कहें कि ज्यादा से ज्यादा जो है लेबर भी कम नहीं कर सकते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह है, डिवोर्विंग है, ये सारी चीजें हम कम नहीं कर सकते, वो तो हमको देनी पड़ेगी। लेकिन आहार जो है उसको हम कम कॉस्ट का तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। आहार क्या है, आप पशु को डालेंगे तो पशु ये कहेगा कि आप जो आहार लेके आए हो उसमें कतर है, कहता है कि मुंगी लाता है अपने यहाँ, तो कभी चक्की का आटा में तरकर आते ही कहते हैं फलानी चक्की का आटा नहीं लाना है, या फलानी कंपनी का आप ले आओगे तो उसमें शंकर है या रेत है, वो खाने लायक नहीं है। लेकिन पशु तो कभी ये नहीं कहता है कि उसमें क्या है। और प्राइवेट कंपनियों में इतना कंपटीशन हो गया है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे कोई सी भी हो, रॉ मटेरियल कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो रेट है वो भी कॉम्पिटिटिव हो गया है, जिस वजह से उन्हें एक बार उस पर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्योर क्वालिटी मतलब नहीं करा सकते हैं। अभी सर कह रहे थे कि साहब मिनरल मिक्सर 1% से 2% होना ही चाहिए, अब उसमें कितना है ये कोई भी अपने पास नापने की मशीन नहीं है, लिखा है उसके बेग पे, उसने कह दिया, वो हमको मानना पड़ता है। तो हम क्यों नहीं दाना अपने क्षेत्र से खुद बनाना शुरू कर दें। आप लोग एफपीओ से जुड़े हुए हैं तो एफपीओ में ही एक एक दाने की फैक्ट्री लगा लीजिए, क्योंकि एफपीओ अगर आपका पशुपालन से बेस्ड है तो एक दाना बनाने का फॉर्मूला लीजिए और उससे दाना तैयार करना शुरू कर दीजिए। और दाना भी मैं तो ये कहूँगा कि जो अपन फसल पैदा कर रहे हैं उसी से दाना बनता है, दाना किस चीज से बनता है, अनाज वाली, तेल वाली, उड़द दाल वाली, ये सारी फसलों का समावेश होके और उसमें जो डालने की चीज है वो मिनरल मिक्सर और विटामिन्स का जो मिश्रण है वो हमें ऐड करने की जरूरत है, अन्यथा सारा का सारा दाना हमारी फसलों से ही बनता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मंडी में जब हम सामान लेके जाते हैं तो चलना मंडी वाले लगाते हैं, लगाते हैं कि लगाते हैं। आस पास में मैंने देखा कि जहाँ जो नोर में मैं रह रहा हूँ, तो नोर में मंडी में ले जाने के बाद में वो चलना लगा के और साइड कर देते हैं, जबकि वो चलना हमें लगाना चाहिए, वहाँ मंडी में ले जाके नहीं लगवाना चाहिए। कटा फटा मोटा छोटा जो भी दाना है उसको साइड कर लीजिए और उससे हम अपने पशुओं के लिए दाना तैयार करेंगे। एक तो 100% शुद्ध होगा और साथ ही साथ उसका पैसा हमें चलना ही लाने जितना ही पैसा देना पड़ेगा, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जैसे दाल वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी है, कोई भी दाल 50 रुपये से नीचे तो मिलती ही नहीं है, तो वो क्योंकि प्रोटीन की जो मात्रा है वो दाल वाली पशुओं में ज़्यादा होती है। और दाल वाली पशुओं का समावेश करेंगे तो ही दूध उत्पादन बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं कि उसका जो शरीर भार है उसका उत्पादन बढ़ेगा। प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है और हम कहें तो हमारे देश में प्रोटीन की इतनी आत्मनिर्भरता अभी भी नहीं है, इसलिए दाल और तेल वाली जो चीज़ें हैं वो हमें इम्पोर्ट करके लानी पड़ती है और इसीलिए महंगी है। तो हम अपने यहाँ पे दाना बनाने के लिए एक जनरल फॉर्मूला तुम्हें दे देता हूँ कि वो तो अलग अलग एनिमल स्पेसिफिक अलग होता है, कि आयुर्वेद के लिए अलग है, छोटे जानवर के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है, ट्यूबर्स के लिए अलग है। लेकिन जनरल कोई भी हम दाना तैयार करते हैं उसके लिए 50 से 60%, यानी 100 किलो दाना बनाना है तो 50-60 किलो अनाज वाली फसलें, जिसमें जो गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान जो हमारे यहाँ होता है उसी का उपयोग करिए, जो कम पैसे में मिलता है उसका उपयोग करिए। जरूरी नहीं है कि हमें कार्बोहाइड्रेट किससे देनी है, वो हम हमारे जहाँ उपलब्ध हो सकता है उसका उपयोग करें। उसके बाद में 20 से 25% का रेशो आप दाल वाली फसलों का रखें, और दाल वाली फसलों में भी मैं तो ये कहता हूँ कि दाल फैक्ट्री में दीजिए और वहाँ से उसका जो चापड़ है
एक क्विंटल में 5 क्विंटल आ जाएगा वो वापस खरीद के लिए रहेगा। दाल का, दाल निकालने के बाद में जो चापड़ बचता है वो खरीद के लिए, ये एक क्विंटल में 5 क्विंटल आ जाएगा डायरेक्ट। ये दाल अगर आप 100 रुपये किलो बेच रहे हैं और वहां से आप 5 क्विंटल वो ले आते हैं तो वो भी दाने बनाने के लिए एक अच्छा है। कि दाल फैक्ट्री में कहीं भी कोई रेफ्रिजरेशन या कोई मिक्सअप नहीं होता है, वो तो सिर्फ उसको साफ करके आपको दे देते हैं। तेल वाली फसलों से तेल कच्ची गाड़ी आप अपने एफपीओ में ही किसी न किसी एक आदमी को तैयार कर लीजिए कि आपको तेल निकाल के तेल शुद्ध आप खाइए और उसके साथ में जो भी खली निकलती है उसका समावेश आप अपने दाने में करिए। और 2% जो मिनरल मिक्सर है वो आपको बाजार से लाना है। बहुत सारी कंपनियां देती है अलग अलग फॉर्मुलेशन में देती है। आजकल तो ये भी है कि एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सर, एरिया स्पेसिफिक का मतलब है कि हमारे यहाँ जमीन में जो पोषक तत्व है वही फसल में या दाने में आएंगे और दाने में जिनकी कमी है उसकी अधिकता जितनी पशु की आवश्यकता है उस हिसाब से वो करते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एक सादा होता है, एक मीडियम क्वालिटी का होता है और एक चिलेटेड फॉर्म में ये बनाते हैं जो 100 रुपये किलो से लेके 300 रुपये 400 रुपये किलो तक मिलता है। और उसका अगर हम समावेश करेंगे तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। और डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई कि वो तो हर जगह चाहिए, चाहे वो दूध उत्पादन की बात करें, पशु को स्वास्थ्य की बात करें, प्रोलेप्स की बात करें, रिपीट ब्रीडिंग की बात करें, कहीं भी उनके बिगड़, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारी जमीन में जो पोषक तत्व नहीं है वो कंसंट्रेट वे में नहीं जाते। पहले हमारे जो पशु हुआ करते थे चरने जाते थे, वो अपनी स्वेच्छा से सब चीज़ें खाते थे और उनको जिस मिनरल्स और इनकी आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति हो जाती थी और उनका उत्पादन कम होने की वजह से जितनी आवश्यकता होती थी उतना हो जाता था। लेकिन आजकल हमारे जितने भी एनिमल हैं वो हम सिर्फ फूड वेस्ट रखते हैं कि ज़्यादा उत्पादन वाला जानवर रखेंगे तो उसकी आवश्यकता भी उतनी ही होगी, तो हमें उसको तो उसमें समावेश करना ही है। तो 2% से 3% मिनरल मिक्सर 2 किलो दाना बना लें तो 1 किलो दाना मिनरल मिक्सर उसमें ऐड कर दें और फिर वो दाना अगर हम खिलाएंगे तो मैं कहता हूँ 8 रुपये 10 रुपये किलो में आप दाना भी बना लेंगे और साथ ही साथ वो 100% शुद्ध होगा क्योंकि वो आपने ही बनाया है, उसमें रेड मैटर भी कोई डाला हुआ नहीं होगा। दूसरा यह है कि जितने भी दाने बन के आते हैं, पैलेट्स बन के आते हैं, उनमें प्रोटीन की पूर्ति यूरिया से करते हैं। आपने अगर बैग पे देखा होगा कि 2%, 1%, 2% यूरिया, यूरिया एक लेवल तक तो ठीक है, 1% अगर यूरिया है तो बहुत अच्छा है, वो पशुओं को प्रोटीन की पूर्ति करता है, बढ़वार अच्छी करता है। और जो जितने भी क्रॉस ब्रीड जानवर हैं, ज़्यादा दूध देने वाले हैं, उनको एक बार खिलाने लग गया तो उनका जो टेस्ट है वो भी हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि एक बार ज़्यादा नमक खाने लग जाता है उसको आप बिल्कुल नमक नहीं डालोगे और खूब सा डाल के भी कहोगे ना तो बिना देखे उठा के मुट्ठी डाल के ही खाएगा, चाहे आपने पहले कितना ही नमक डाल दिया हो, तो वो एक उसकी आदत भी पड़ जाती है। तो वो वैसा ही है कि यूरिया 1% तक ठीक है, ज़्यादा होगा तो वो रिपीट ब्रीडिंग का भी वो करता है, अबॉर्शन का भी कार्य कर सकता है, रिपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन ये उसके साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रॉस ब्रीड जितनी भी जानवर है, चाहे वो HF के क्रॉस हो चाहे जर्सी के क्रॉस हो, वो 3, 4, 5, 5 इससे ज़्यादा नहीं पियाते। और जबकि देसी जानवर है 10-10 ग्राम तक हमें दूध देता है पियाते हैं, तो वो एक कारण वो भी है कि उनकी जो पूर्ति है वो हाई अपन खिला रहे हैं उससे भी वो बार बार बदलने की समस्या है, वो भी उसमें ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा ये है कि हमें दाना अपना बनाना है, साथ ही साथ पशु का उसके वजन के अनुसार, उसके उत्पादन के अनुसार उसको सूखा चारा, हरा चारा और दाना सब का समावेश होना चाहिए, तभी भी हम अपने पशु से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और कम से कम खर्च में उत्पादन ले सकते हैं। ये अगर हम करेंगे तो ही अपने पशुओं से हरे चारे अगर उपलब्धता नहीं है तो हमारा पशुओं का जो उत्पादन लागत है वो बढ़ के ही आएगी, क्योंकि हरा चारा आपको 1 रुपये किलो में मिल सकता है जबकि दाना आपको 25 से 30 रुपये किलो में मिलता है। अगर आप दाने से उसकी पूर्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दूध का उत्पादन लागत है वो बढ़ जाता है। तो हरा चारा और सूखा चारे का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हम कह सकते हैं कि 8 किलो हरे चारे में 1 किलो दाने के बराबर पोषक तत्व होते हैं और दूसरा पशु की पेट की तृप्ति हो जाती है। अगर पशु 8 किलो 20 किलो 25 किलो हरा चारा खाएगा, वहाँ पे आप 2 किलो दाना देंगे तो पशु, हम भी यही देखते हैं कि पेट जब तक भरे नहीं, पोषक तत्व ले आप कंसनट्रेट वे में कैप्सूल दे दें या ग्लूकोज चढ़ा दें, लेकिन जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हम
अपने शरीर में एनर्जी नहीं आती है, तो वैसा ही पशुओं के साथ भी है कि उनका पेट भी भरे और पोषक तत्व जितनी उसकी आवश्यकता है उतने मिलने चाहिए। तो हरे चारों का उपयोग हमें करना है, और मैं कह सकता हूँ कि हरे चारों पे ज्यादा कहीं भी नहीं है। आपका एफपीओ अगर बीज उत्पादन करने लग जाए हरे चारों का, जितने भी पब्लिक सेक्टर की वैरायटीज हैं, तो मैं कह सकता हूँ ऑल इंडिया में आपका कितना ही बीज हो, जो नई वैरायटी आ रही है उनका बीज आपका कहीं भी आप बेच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए और लंबे क्षेत्र में उसको ले जाइए, अपने क्षेत्र में पूर्ति करिए और बाहर भी ले जाइए, क्योंकि कहीं भी अगर कहें कि आप दही की वैरायटी लाओ तो कैंट का नाम आता है। पूरे क्षेत्र में कैंट लगाई जाती है, जो कि लगभग 25-30 साल पुरानी वैरायटी है, उससे तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मल्टीकट वैरायटियाँ आ गई, लेकिन उसका बीज उपलब्ध नहीं होता है। और अगर हम लाते भी हैं प्राइवेट कंपनी से या किसी से, तो हम काट के और हरे चारे में उसको खत्म कर देते हैं। तो जो जो इसमें है पब्लिक सेक्टर की, उनका हम बीज उत्पादन भी कर सकते हैं, और भले ही मार्केटिंग ना करें, अपने या अपने अड़ोसी पड़ोसी के बीज को उसका बीज उत्पादन करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सर्दियों की, तो जई है, बसीम है, रिचका है, चारा चुकंदर है, ये फसलें काफ़ी मात्रा में लगाई जाती है। गर्मी में या बारिश के मौसम में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी लगाई जाती है। और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ जो बहुवर्षीय हरे चारे हैं उनका समावेश भी हमें करना चाहिए, जैसे कि नेपियर घास है, अंजन घास है, दामन घास है, जहाँ हमारी जमीन पट में पड़ी है या जहाँ कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे हम नेपियर अगर लगाते हैं तो 7-8 साल तक चलती रहती है और 12 महीने के लिए चारा, हरा चारा हमें मिलता रहता है। बीच बीच में जो ग्रास कुल्की है, या कह सकते हैं कि ग्रेवी कुल्की है, और या जो लेग्यूम कुल्की है, दाल कुल्की है, दोनों का समावेश करके हमें देना है। 1/3 लेग्यूम कुल का और 2/3 अपने घास कुल्की फसलों का हरे चारे का समावेश करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ मान लीजिए पानी की कमी है, पानी की उपलब्धता हो रही है, तो पेट जो है वो भी हरे चारे के रूप में हम अपने पशुओं को दे सकते हैं। शहतूत है, अड़ू है, ये ऐसे पौधे हैं, सहजना है, जिनको हम हरे चारे में कुट्टी बना के हरे चारे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जिस ड्राई स्केल में अगर हरे चारे की उपलब्धता नहीं है, तो इससे हम पूर्ति कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इसके अलावा जो एजोला है, वो संपूर्ण आहार के रूप में अपने पशुओं को अगर हम खिलाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा 25-30% होती है, जो मिनरल्स है वो भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, और उसको आसानी से कोई भी कहीं भी लगा सकता है। उसके लिए सिर्फ 6 इंच से 9 इंच स्थिर पानी चाहिए, पानी भरा होना चाहिए, और उसका भोजन है गोबर की खाद, वो हमें उसमें मिक्स करना है। शुरू शुरू में जब भी हम खेल बना के भरेंगे, तो 1/2 इंच पर मिट्टी की, जो हमारी खेत की उपजाऊ मिट्टी है, 6 से 9 इंच की ऊपर की साइज की, वो डालनी है, और उसके बाद में गोबर की 15-20 किलोग्राम खाद डाल के 1 किलोग्राम एजोला जो उसमें डाल दीजिए, वो 5 से 7 दिन में पूरी खेल भर जाएगी। और डेली 1.5 किलो 2 किलो जो 10 फीट लंबी और 3 फीट थोड़ी क्यारी है, उसमें से आप निकाल सकते हैं, और एक पशु को 1.5 से 2 किलोग्राम तक हम संपूर्ण आहार के रूप में, मैं संपूर्ण का मतलब इसे है कि जो खिला रहे हैं उसको रोक के अगर 1.5 किलो खिलाया, तो उसमें तो 90% पानी होता है, 10% होता है, और 1 किलो में अगर 10% तो 100 ग्राम से पेट भरने वाला नहीं है। उसमें तो सिर्फ पोषक तत्व हैं, जैसे कि हम दूध में हॉर्लिक्स डालते हैं, तो हॉर्लिक्स की 1 ही चम्मच डालते हैं, वो उसी तरीके से उसका उपयोग हमें करना है। ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं भरता है, धान आपके यहाँ होता है तो धान वाले क्षेत्र में वो डाल दीजिए, और वो धान के क्षेत्र में आपके पौधे जो धान के हैं उनको नाइट्रोजन देगा। एक तो वातावरण से सीधी नाइट्रोजन लेके पौधे को देगा, दूसरा खुद तैयार होगा, तो उसको इकट्ठा करके पाउडर फॉर्म में बढ़ा दीजिए, 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सर की तरह उसको खिलाइए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना कुछ लागत है, एक मुट्ठी बीज आपको खेत में डालना है, ऑटोमेटिकली वो पूरा खेत भर जाए, बस हार्वेस्ट करने का है। जहाँ तालाब है या क्यारी बना के अगर आप रखते हैं, वहाँ पे भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हरे चारे के जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं, ये और दाना अगर हम बनाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि पशुपालन में जो पैसा है वो कहीं नहीं है, स्थिर पैसा है, हर 10 दिन पे पैसा है, दोनों टाइम पैसा मिलता है, दूसरा व्यवसाय ऐसा पैसा भी नहीं है। अगर सब्जी भी उत्पादन करते हैं तो एक टाइम मंडी लगती है, दूध का सुबह भी पैसा, शाम को भी पैसा, और जब हमारे इमरजेंसी आती है उस समय में उस पशु का, मतलब बड़े पशु है तो 3 से 4 साल में उसकी गाय या भैंस बन जाती है, वो एक हमारी खुद का
इंश्योरेंस है, जब हमें आवश्यकता लगे तभी वो 60-70 हज़ार रुपए का 80 हज़ार का लाभ रुपये का देसी ब्रीड है वैसा जानवर हमारे पास है, उसको बेच के हम अपना काम भी निकाल सकते हैं। तो और दूसरा उसके जो जितने भी बाई प्रोडक्ट हैं, गोबर है, गोमूत्र है, उसको हमारी खेती में उपयोग करके हम कहते हैं कि साहब नेचुरल फार्मिंग करो या जैविक खेती करनी है तो बिना पशुओं की वो हो ही नहीं सकती है। गोबर को FIM के रूप में, वर्मी कंपोस्ट के रूप में अपने खेत में वापस ले जाना है और वहाँ से हमें उत्पादन 25-30% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अन्यथा केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम डालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि डालते डालते भी उस वहाँ से उत्पादन आने वाला नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो भी हैं उनमें एक पोषक तत्व, दो पोषक तत्व, तीन पोषक तत्व, इससे ज़्यादा पोषक तत्व नहीं आते। जो कह सकते हैं कि जैविक कार्बन है वो लेवल जब तक जमीन में नहीं होगा जब तक वो पानी को रोक भी नहीं पाएगा और पोषक तत्व है उसको भी पौधा खा नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें जैविक खाद का तो समावेश उसमें करना ही करना है, चाहे वो नारियल कंपोस्ट के रूप में, हरी खाद के रूप में, गोबर की खाद के रूप में, वर्मी कंपोस्ट के रूप में अगर करेंगे तो हमारी जो तो जितनी भी फसलें हैं उनका उत्पादन अच्छा होगा। अब आप लोग कोई भी चारे से संबंधित या पशुपालन से संबंधित या खेती से संबंधित कोई सवाल हो आपका तो साधना हम लोग।